गुड मॉर्निंग। आज एडमिशन से रिलेटेड एक और टॉपिक है, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम लोगों को उसका प्रोसेस पता हो, क्योंकि इसमें जनरल एंट्री केवल एक या दो होता है। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले इस हिडन गुडविल का टॉपिक को समझना होगा। तो हिडन गुडविल के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए एस्टिमेटेड कैपिटल। एस्टिमेटेड कैपिटल का फॉर्मूला है न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो। हमने एग्जांपल दिया कि नया पार्टनर का कैपिटल है 40,000, उसका रेशियो था 1/4, तो उसको उल्टा कर दिए रेसिप्रोकल 4/1, तो एस्टिमेटेड कैपिटल निकला 1,60,000। देन वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल का फॉर्मूला ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट और जनरल रिजर्व when it is given in the question minus net loss. So according to this formula, old partner capital 50,000, new partner capital 40,000, net profit 10,000 and net loss is not given in the question. You can see net loss is not given in the question. So total capital, actual capital 1 lakh. So hidden goodwill is equal to estimated minus actual. एस्टिमेटेड कैपिटल 1,60,000 जो हमने यहां से कैलकुलेट किया और 1 lakh एक्चुअल कैपिटल, सो फॉर्म्स गुडविल कितना आ गया 60,000। न्यू पार्टनर का रेशियो को इसमें निकालना होगा, तो फॉर्म्स गुडविल है 60,000 इनटू 1/4, तो न्यू पार्टनर का रेशियो निकल गया 15,000। लेकिन हमारा काम यहां खत्म नहीं होता है, एक एंट्री होना बहुत जरूरी है। ये एंट्री के पहले एक एंट्री हम लोग करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल 40,000, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि वो बेसिक है, वो आपको पता होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल 40,000। लेकिन हिडन गुडविल के लिए ये एंट्री होगा न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। हर कंडीशन में आप जब भी हिडन गुडविल का सम बनाओगे, न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट होगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल भी हो सकता है और करेंट भी हो सकता है। When it is given in the question कि old partner का capital fixed है, अगर fixed नहीं है तब old partner capital होगा, और अगर fixed है तो old partner capital होगा, और amount क्या हो जाएगा 15,000। तो आप इस topic को बढ़िया से देखें, like करें, subscribe करें और इसको use करें। Thank you।